फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे SBI ATM मशीन में आपका मनी डिपॉजिट कर सकते हो। कुछ प्रोसेस होता है इसके लिए, तो सारा कुछ मैं यहाँ पर डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर मैं SBI ATM मशीन में आ गया। मैं यहाँ पर 500 और 200 रुपीज़ को मुझे डिपॉजिट करना है मेरा SBI ATM से। तो देखो यहाँ पर इसके लिए मुझे क्या कुछ करना होगा। देखो यहाँ पर 500 और 200 टोटल 700। तो देखो यहाँ पर ऐसे करके आ जाएगा, मुझे यहाँ पर मेरा ATM को यहाँ पर कनेक्ट करना है इसके साथ। देखो यहाँ पर मैं ATM को, हाँ ATM को दे दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर बोल रहा है कि ATM को निकालना मत अभी, जितना टाइम वो प्रोसेस होगा वो मेरा लैंग्वेज है इंग्लिश, मैं यहाँ पर इंग्लिश दे देता हूँ। देखो यहाँ पर लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश इंग्लिश दो दिखा रहे हैं, और कोई भी दो नंबर आप दे सकते हो यहाँ पर, कोई भी दो नंबर। मैं यहाँ पर 99 दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर येस कर दो। उसके बाद आपको पिन, ATM का जो पिन है वो पिन आपको देना होगा। मैं यहाँ पर पिन, मेरा जो ATM का पिन है वो पिन दे देता हूँ। देखो यहाँ पर पिन दे दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर बहुत सारा कुछ है, बैंकिंग है, रजिस्ट्रेशन है, मिनी बहुत सारा कुछ है। मैं यहाँ पर बैंकिंग को सिलेक्ट किया। देखो यहाँ पर बैंकिंग है और बहुत सारा, मैं यहाँ पर बैंकिंग को सिलेक्ट किया। उसके बाद देखो यहाँ पर फास्ट डिपॉजिट, मुझे विथड्रॉ नहीं करना है, मुझे डिपॉजिट करना है। बहुत सारा कुछ ऑप्शन है, मुझे डिपॉजिट करना है यहाँ पर, मैं डिपॉजिट में क्लिक किया। उसके बाद देखो अदर बैंक अकाउंट और इस बैंक अकाउंट, और देखो बहुत सारा कुछ है, और कैश डिपॉजिट भी है। मैं यहाँ पर कैश डिपॉजिट पर क्लिक करता हूँ, मुझे इसी मेरा बैंक अकाउंट में मनी को डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पर उसके बाद देखो आ गया, आप 2 लाख रुपीज़ को डिपॉजिट कर सकते हैं ऐसे करके, 2 लाख। और सर्विस चार्ज टोटल 0 है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर कॉन्फर्म कर देता हूँ, कंटिन्यू, मैं यहाँ पर कंटिन्यू को प्रेस करता हूँ। कंटिन्यू को प्रेस किया, उसके बाद करंट, और कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, मेरा सेविंग अकाउंट है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर सेविंग अकाउंट को क्लिक किया। उसके बाद देखो, हाँ ऐसे करके आ गया, मैं यहाँ पर वो ओपन हो गया। मैं यहाँ 500 और 200 दो रुपीज़ था मेरे पास, यहाँ पर मैं डाल दिया इस बॉक्स के अंदर। उसके बाद मैं मुझे इंटर करना होगा। देखो इंटर कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर बॉक्स मनी मेजरिंग कर रहा है, वो ऑटोमेटिक मेजर कर देगा, वो सारा कुछ बोला। देखो यहाँ पर 500 का 1 रुपीज़ और 200 का 1 रुपीज़ बोल रहा है, टोटल 700। और अगर सही होता है ना, अगर सही होता है तो आप कॉन्फर्म में पेश करो। अगर कुछ और ऐड करना है मनी तो ऐड मोर, और अगर सही नहीं हुआ तो कैंसिल में आप क्लिक कर सकते हो, आपका मनी निकल जाएगा। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपको याद कर रखना होगा। देखो यहाँ पर मैं कॉन्फर्म कर देता हूँ, ठीक ही है, सारा कुछ ओके हो गया। अभी अभी देखो ट्रांजेक्शन इज प्रोसीड, एक स्लिप निकल के आएगा, मेरा जो ट्रांजेक्शन हुआ ये सारा कुछ सही हुआ। देखो यहाँ पर ये स्लिप निकल के आ गया, और ये स्लिप में मैं दिखाता हूँ यहाँ पर 700 रुपीज़ जो मैं यहाँ पर डिपॉजिट किया, एक 500 का एक 200 का रुपीज़। देखो यहाँ पर बोल दिया 700 रुपीज़ मेरा बैंक अकाउंट के साथ डिपॉजिट हो गया, यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं। और ATM को निकाल लो। उसके बाद ATM को निकालने के बाद थैंक यू बोलेगा सारा कुछ। उसके बाद जब ये बोलेगा ना प्लीज़ इंसर्ट योर कार्ड, तभी आप उसको ATM को आप छोड़ के जा सकते हो। 24 आवर्स ओपन रहता है, तो किसी भी टाइम आप ऐसे करके आपका लिक्विड मनी को आप डिपॉजिट कर सकते हो SBI ATM मशीन। सो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर देखने का कोशिश किया आप कैसे आपका ATM कार्ड से आप मनी डिपॉजिट कर सकते हो ATM मशीन में। तो इसके लिए आपको क्या कुछ प्रोसेस फॉलो करना होगा, सारा कुछ मैं यहाँ पर देखने का कोशिश किया। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों जरूर शेयर करना। अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेकर, तो इस वीडियो का नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बोल सकते हो। अगर इस चैनल कांटे की न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह नॉलेज वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं, मिलते बहुत जल्द नया वाला वीडियो में। तो टुडे, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।